साधन सिद्ध ब्रह्मणा ओ ओ शांति 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 ही स्वस्थ आज कालांश को आपण मान स्वागत पूर्व कालांशे आम प्राकृतिक उद्भिद और वन्य प्राणी संपर्क आलोचना करूँ प्राकृतिक उद्भिदर वितरण प्राकृतिक उद्भिद गुड़िकर उपकारिता प्राकृतिक उद्भिद क्या कहा जाए यह सब विषय आम गोटे वीडियो रे आलोचना करी एर पूर्व वीडियो रे आम वन्य प्राणी संपर्क सेमती जानवाक पाई वन्य प्राणी क्या कहा जाए साधारणतः जंगल मुक्त भाव विचरण करुवा पशु पक्षी सरीसृप कीट पतंग एपरिक जलचर प्राणी मानी वन्य प्राणी बोली कहू वन्य प्राणी उपकारिता आमपाई जथेष रही जमीक आम यही प्राणी मानू दुग्ध मंस चमड़ा पर यह सब संग्रह करूँ पुणी माने परिवेश को सफा रखिबारे मध्य साहाज्य करंती एक मूल्यवान पदार्थ महु आम यही वन्य प्राणी पाई था महुमाछी पाई था कहवाक गले गोटे परिसंस्थार भारसाम्य रक्षा करिबारे यही वन्य प्राणी मानकर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण तेबे वन्य प्राणी मानकर वितरण पृथ्वी रे किपरि होईछि साधारणतः तो आम गोटे डायग्राम करते वन्य प्राणी मान दुईटी दृष्टिकोण भाग करी प्रथम दृष्टिकोण टीला आहार आहार दृष्टि देखिले वन्य प्राणी तीन प्रकार जो मैंने तृण घास गच्छ ये सब खाती से तृण भोजी प्राणी जमीक फेकुआ हरिण जेब्रा जिराफ घोड़ा ये सब है तृण भोजी प्राणी यही तृणभोजी प्राणी मानू खाऊ प्राणी मानू अर्थात जी भोजन निज आहार मांस भक्षण कैसेपरी वन्य प्राणी मानू कंस भोजी मांसाशी प्राणी जमीक बाघ सिंह ये सब हमें मांसाशी प्राणी थार्ड आम देखी उभय भोजी प्राणी जी उभय निज खाद्य उभय तृण और प्राणी मानी निर्भर कै उभय उद्भिद और प्राणी मानी निर्भर क्या कहुए सर्वभोजी आम मनीष मानी सर्वभोजी व उभय भोजी सेमती भालू बिलुआ ये सब आसिले उभय भोजी व सर्वभोजी कैटागोरी रही अर्थात आहार दृष्टि देखिले तीन प्रकार जदि आम देखा पृथ्वीर भूमि रूप भू प्रकृति जलवायु युवाक तो पृथ्वी सारा सामान नुहना कौ जगार भूमि रूप कौ जगार जलवायु ये सब अलग अलग से ही प्रकार भूमि रूप से ही प्रकार जलवायु को खाप खुआला भाया एमती कि वन्य प्राणी सृष्टि होती जो प्राणी आंटार्कटिकार बरफावृत अंचल रहीपर हुए तो सी सहारा मरुभूमि रहीपर ना सेमती घंच अरण्य बास कर प्राणी केबे मध्य आंटार्कटिकार बरफावृत अंचल रहीपर ना अर्थात जो अंचल भूमिरूप जलवायु जोपरी से ही स्थान से ही प्रकार परिस्थिति परिवेश सहित खाप खुआला वन्य प्राणी मैंने साधारणतः देखा जाती पृथ्वीर गोटे टेबुल करें देखी आमाजन रंगल ठू आरंभ कर आफ्रिकार साधारा ग्रीष्ममंडल तृणभूमि प्रेरिस टेपी परी नातिशीतोष्ण मंडल तृणभूमि सेमती मरुभूमि बरफावृत अंचल यू उत्तर मेरु यू अंचल गुड़ाक क्यों प्राणी गुड़िक देखा जाती आपण मान को कही से भर प्रश्न केमी का आसे टेबुल कही किसी जन मो पा को टेबुल करवाद तो देखी पृथ्वी रे किपरि वन्य जंतु वितरण वितरित होती दे भारत रे देखिले भारत रे मध्य प्राय सब प्रकार वन्य प्राणी देखा जाती आपण जान लें आश्चर्य हे भारत रे 99,000 प्रजाति पशु देखा जाती 99,000 टा पशु देखा जाती 99,000 प्रजाति प्रकार पशु भारत रे देखा जाती
ठीक अच्छे। तो भारत में प्राय सब प्रकार पशु पक्षी सरीसृप ये सब देखा जाऊँगी किंतु तीन टा जिनस मन रखापी भारत सुंदरवन अंचल सुंदरवन गोटे जुआरिया अरण्य जुआरिया अंचल गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा सृष्टि होता गोटे त्रिकोण भूमि जोठे समुद्र जुआर सहित नदी मधुर जल मिसा फल से अंचल सृष्टि सेठाकर संतसंतिया भूमि बाघ हेउची एक मुख्य प्राणी बाघ अधिक मात्रा रे सुंदर वन अंचल रे देखा जाए सेटा गोटे टाइगर रिजर्वेशन सेंटर मध्य अर्थात सेठे व्याघ्र प्रकल्प कार्यकारी हेउची। सेमिति भारत और पड़ोसी देश नेपाल सीमांत रही हिमालय पर्वतमाला आउ सेठी देखा जाती कस्तूरी मृग चमरी गाई प्रश्न पड़ो भारत नेपाल सीमांत देखा जाउथिबा प्राणी कस्तूरी मृग चमरी गाय ठीक सेमिति आम भारत जातीय पशु हेउची बाघ जातीय पक्षी हेउची मयूर इत्तिकि जे आम आलोचना करथिले आज कालांशे देखा ओडिशा किपर वन्य जंतु मानकर वितरण होइछि भारत में जो पशु पक्षी सरीसृप इत्यादि देखा जाती ओडिशा रे मध्य ठीक से भली विभिन्न प्रकार पशु पक्षी देखा जाती ओडिशा रे जंगल मानक हाथी बाघ चिताबाघ देखा जाती ठीक से हीपरी आप मन रखा दरकार पे ओडिशा रे अनुगुल संबलपुर कोरापुट ए तीन टा जिला मन रखिए अनुगुल संबलपुर कोरापुट ए तीन टा जिले में नील गाई और चौसिंगा हरिण देखा जाती आप भावे नील गाई मानते नील रंगर गाई आप देखते नील गाई रिच्छे चित्र मुझे देखा या कह जाए नील गाई और चौसिंगा हरिण क्यों तीन टा जिले में देखा जाए अनुगुल संबलपुर कोरापुट ये गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन केमी प्रश्न पड़ो मुझा प्रश्न उत्तर पठेला बेले पठेदी सेमती ओडिशार मलकानगिरी और खड़िया अंतर्गत अरण्य बणुआ मईसी देखापी मिलती आपण मान को ये गोटे प्रश्न है खड़िया क्यों जिला अंतर्गत क्यों जिले में खड़िया रही मलकानगिरी और खड़िया अंतर्गत अरण्य बणुआ मईसी देखा जाती ठीक से हीपरी ओडिशार प्राय सब अरण्य हरिण संबर कुटुरा बारहा भालु आदि प्राणी एवं मयूर कुंभाटुआ सुआ सारी झिंक आदि पक्षी देखा मिलती ओडिशार नदी और ह्रद मानक पाणीकुआ हंसराली बग गेंडालिया आदि नाना जातिर पक्षी और कुंभीर मगर कंच आदि प्राणी देखा जाती आम जानचे ओडिशा रे एक लुणी जलपूर्ण ह्रद रही जोटा भारत सब बड़ लुणी जलपूर्ण ह्रद सी हूँ चिलिका ह्रद चिलिका ह्रद में अनेक गुड़े पक्षी देखापी मिलवा सहित तार एक विशेषत्व होती डॉल्फिन प्रजातिर मेखापी मिले आउ ये डॉल्फिन मछको देखापी अनेक पर्यटक चिलिका को आसी था तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रो देखिले आपण मानको तीन टा जिनस ओडिशा रो मन रखियार अछि ठीक अछि बर्तमान देखिले ओडिशा रे वन्य प्राणी को वितरण किपरि होई छि आगो को आलोचना करबा एहि प्राकृतिक उद्भिद और वन्य प्राणी माने मनीष मानको द्वारा मनीष मानकर व्यवहार द्वारा इमानको स्थिति वर्तमान कोन रही छि से विषय रे आलोचना करबा प्राकृतिक उद्भिद और वन्य प्राणी विलोप और विपदग्रस्त होबार कारण कौन सब रही अर्थात प्रत्येक वर्ष पिले रे डाटा बुक लाल तथ्य पुस्तक नाम एक तथ्य प्रकाश पाए जो थी पृथ्वी सारा देखा जाए क्यों प्रकार प्राकृतिक उद्भिद ओ क्यों क्यों वन्य प्राणी माने वर्तमान पृथ्वी पृष्ठर संपूर्ण विलोप हो जाती माने आग को विलोप होबार द्वार देश आसिक पहुँची
अर्थात क्यों माने विपदग्रस्त होइकि अछन्ति किछि वर्ष मध्यरे हुए त से गुडाक पृथ्वी पृष्ठरे देखिबाकु मिलिबो नाही। एई सब पछरे कारण कोन रहिछि? निश्चित भाबे किछि मानवीय कारण थै परे आउ किछि प्राकृतिक कारण मध्य एथि पई दाई। आरंभ करिबा मे मानवीय कारण थै आमे निश्चित भाबे एही प्राकृतिक उद्भिद ओ वन्य प्राणी मानकु आमर निजर आवश्यकता मेंटाइबा पई विभिन्न कार्यरे लगाउ। जिते संख्यक उद्भिद कटा जाउची सेई अनुसारे आमे उद्भिद रोपण बा वृक्ष रोपण करु नाही। आमर आवश्यकता बहुत अधिका होई जाइछि नु एहा पछरे मुख्य कारण होला जनसंख्या वृद्धि। 200 वर्ष तले आम पृथ्वी रे जेतिकि जनसंख्या थिले आज बहुत ढेर अधिका जनसंख्या वृद्धि घटी। वर्तमान तो 800 कोटी रे आसिकी जनसंख्या पहुंची गला। ता तुलना रे आमे नूतन जंगल सृष्टि करबा तो दूर कथा। आमे जंगल क्षय करी करी चली छे से मनीष मानक जो जंगल क्षय हो किंबा प्राकृतिक कारण रु निया लागी जाय बेले बेले जंगल रे। आपण माने गत वर्ष किंबा एई वर्ष किछि सेमिति इंसिडेंट जानिथिबे को जंगल रे किमिति कोन निया लागिथिला आ ता द्वारा अनेक प्राकृतिक उद्भिद ओ वन्य प्राणी कर जीवन हानि घटिथिला। एमिति दुईटी इंसिडेंट दुईटी दुर्घटना पृथ्वी रे घटिथिला। तीनटा बड़ बड़ जंगल रे निया लागिथिला। आपण माने से दुईटा जंगल मते मेसेज करिवे ठीक अछि। तो जनसंख्या वृद्धि हेबा फल आमर आवश्यकता बढ़ुची। आवश्यकता मैंने को प्रकार धरने जो आमको रास्ता घाट दरकार घर करने जगह दरकार कृषि भूमि जगह दरकार कृषि कार्य करने जगह दरकार। तो आम कौन कर जंगल को काटि काटि जाऊे जंगल को सफा कर समतल कर सब कार्य गुड़ाक कर। द्वितीयतः जंगल काटिले जंगल जो गच्छ गुड़ाक था गच्छ में काठ संग्रह कर सही काठरु आमे विभिन्न आसबाबपत्र गृह उपकरण एपरिक घर मध्य काठरे तयारी करा जे। ए सब आवश्यकता जो आमको जंगल काटिया पई पड़ुछ सही अनुसार किंतु आमे गच्छ लगाउ नाही। ये गोटे कारण सेमिति मूर्तिका क्षय हेबा द्वारा मध्य ई प्राकृतिक उद्भिद ओ वन्य प्राणी मानक उपरे प्रभाव पड़े। निर्माण शिल्प कथा कहली निर्माण शिल्प अर्थात ये जो रास्ता घाट कृषि क्षेत्र जनबसति गढ़ापे निर्माण शिल्प मध्य जंगल काटिया पड़े। आ जंगल काटा द्वारा केवल प्राकृतिक उद्भिद मानकर क्षति घटे ना यार इनडायरेक्टली परोक्ष भाव प्रभाव पड़े वन्य प्राणी कारण वन्य प्राणी मैंने तो आम पर घरे रुहतनी ना से घर हूँ ये जंगल सेमाने सेही जंगल रे मुक्त भावरे विचरण करिथांती। जंगल अनेक गुड़िए वन्य प्राणी मानकर आश्रय स्थल कहिया बोले सब वन्य प्राणी मानकर आश्रय स्थल। आमे जंगल काटिले केवल जे प्राकृतिक उद्भिद को क्षति करूचे ता नुह बर परोक्ष रे आमे वन्य प्राणी मानको मध्य विपद मुख को ठेली दउचे ठीक अछि। तेणु जंगल क्षय होवा द्वारा दुई दुईटी मूल्यवान प्राकृतिक संबल रो क्षय घटुचि। बनाग्नि बणरे निया लागिबा द्वारा ये दुईटे कारण जो हो पारे एइदर मनुष्य मानको जो हो पारे मनुष्य मानको जो किपरि बणरे निया लागे आपण माने पोड़ु चाष संपर्क रे सुनिथिबे। पोड़ी की चाष करा जाउथुवा चाष को कह जे पोड़ु चाष। कोन पोड़ी की करा जाय साधारणतः टिके माने जो पार्वत्य भूमि रे बास करथुवा लोक माने से माने किपरि कृषि कार्य करंती से माने सेई पहाड़ उपरे ही करंती। पहाड़ को पहाड़ रे गच्छ गुड़ी को काटि दियंती सेथिरे निया लगाई दियंती भूमि को समतल करी स्टेप स्टेप करी सेथि कृषि कार्य करंती। एहा द्वारा मध्य बण रे निया लागे जंगल रे निया लागे किंबा प्राकृतिक कारण जोगु मध्य जंगल रे निया लागे। आ जंगल रे थरे निया लागिला माने मास मास धरि से निया बंद हुए नाही। एमिति दुईटी बड़ बड़ घटना एबे वर्षक मध्य रे घटी जाइछि। सेमिति सामुद्रिक बात्या जोगु मध्य कौन हुए प्राकृतिक उद्भिद ओ वन्य प्राणी मानकर क्षय घटे। हठात सुनामी पलि आसला तो कौन हुए सुनामी द्वारा से अंचल प्राकृतिक उद्भिद वन्य प्राणी मान धोई कि समुद्र गर्भ को चली जाती। भूस्खलन घटले मध्य आमर उत्तराखंड भूस्खलन घटी नुह
କୋଉ ମସିହାରେ ଘଟିଥିଲା ମୁଁ କେତେଥର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି ଆପଣ କହିବେ। ତ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ଭୂମି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇ ଖସିବ, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ବିଲୋପ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଏସବୁ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏଇ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀମାନେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି କେତେଟା ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ଡାଟା ଥିବ, ଏମିତି କିଛି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ମେସେଜ କରିବେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଥିଲା ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ତାର କୌଣସି ପ୍ରଜାତି ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ଆମେ କେବଳ ତାକୁ ଚିତ୍ର ଫଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା କେତେଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ରଖାଯାଇଛି, ତା ଉପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପିକ୍ଚର ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଛି ନୁହଁ, ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କହିବେ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ନ ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସତରେ ବାଘ ଦେଖିପାରୁଛେ କିମ୍ବା ସିଂହ ଦେଖିପାରୁଛେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ତାକୁ କେବଳ ଫଟୋରେ ହିଁ ଦେଖିବା, ବହିରେ ହିଁ ଦେଖିବା କିମ୍ବା ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିବା, ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ଥିଲା କହି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନ ଆସୁ। ଏମିତି ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ପଳେଇ ଆସେ ତାହେଲେ ପରିବେଶର ଭାରସାମ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ହେଉ କି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ହେଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଏବେ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଚାଲିଛି, ସେମିତି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନେ ବିଲୋପ ହେଲେ, ଏହି ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ବିଲୋପ ହେଲେ ତାର କୁପରିଣତି ଆମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ଥିଲା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀମାନେ ବିଲୋପ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର କାରଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ଏମିତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କର ଆମେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣର କେଉଁ ସବୁ ଉପାୟ ରହିଛି, କ'ଣ କଲେ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକର ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବା ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆମ ଦେଶରେ ଭାରତ ସରକାର 1952 ମସିହାରେ ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ନୀତି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଇନ ହେଲେ ଲୋକ ଟିକେ ସଚେତନ, ଅଧିକା ସଚେତନ ହେବେ। 1952 ମସିହାରେ ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ନୀତି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆମର ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ରୋକିବା। ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ରୋକିବା ଆମେ ଏମିତି କେବଳ ଏଠି ଲେଖିଦେଲେ, ୟାକୁ ଘୋଷିକି ଆମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିଦେବା ଏଇ କଥା ନୁହଁ, ବରଂ ଆମେ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯଦି ଟିକେ ଟିକେ ଅନ୍ତତଃ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଲେଭେଲରେ କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବହି ଖାତା ଏସବୁ କାଗଜରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ, କାଗଜ ଜଙ୍ଗଲର ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କୁ କାଟିକି ତିଆରି କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆପଣମାନେ ଲେଖୁଥିବା ଖାତାର ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପେଜ୍ ବି ଯେମିତି ଅନ୍ନେସେସରୀ ନଷ୍ଟ ନ ହୁଏ, ଅଯଥା କାଗଜ ବହି ପତ୍ର ଏସବୁ ଚିରିବା, ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ସମ୍ବାଦ ପେପରର ବ୍ୟବହାର ୱାନ୍ସ ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଆପଣମାନେ କାଗଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଚେତନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିବେ। ସେମିତି ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟକୁ ରୋକିବା, ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଆଁ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ପୋଡ଼ୁ ଚାଷକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି କୁହାଯାଏ, ତେଣୁ ଯେତେ ପାରିବା ଏହି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ବେଳେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଧୂମ୍ରପାନ କରି ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ତେଣୁ ପୁରା ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଏ ଯେଉଁ ସିଗାରେଟ୍ ବିଡ଼ି ଏସବୁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ ନିଷେଧ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପଶୁଚାରଣକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ତା ସହିତ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବନୀକରଣ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିପାରିବା। ବୃକ୍ଷରୋପଣ କଲେ ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। କେତେଟା ବନୀକରଣ ହେଲା, ଯେମିତି ସାମାଜିକ ବନୀକରଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାମାଜିକ ବନୀକରଣର ଅର୍ଥ ହେଲା ପିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହର ଗୁଡ଼ାକରେ ଯେଉଁ ଭୂମି ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁନାହିଁ, ଆମେ ଯଦି ସେହି ଭୂମିରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ତାହେଲେ
ଆମେ କିଛି ଉଦ୍ଭିଦ ସେଠି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ସାମାଜିକ ବନୀକରଣ ସେମିତି ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ତ ଆମେ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରିପାରିବା ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ପଥ ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱ ମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ ଗୁଡ଼ାକରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ ଗୁଡ଼ାକରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବୃକ୍ଷଠାରୁ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ କିମ୍ବା ଛାଇ ଦରକାର ତାକୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା ସେମିତି ଆମେ ବନ ମହୋତ୍ସବ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦିବସ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବନ ମହୋତ୍ସବ ଜରିଆରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଦିନ ଗୁଡ଼ାକରେ ଉଦ୍ଭିଦ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇ ପାରିବା ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ବୃକ୍ଷର ଉପକାରିତା କେତେ ରହିଛି ଏଇ ଉପକାରିତାଟାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନରୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର ବୃକ୍ଷ ରହିଲେ ହିଁ ଆମେମାନେ ରହିବା ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଅ ସେ ହଜାରେ ଜୀବନ ଦେବ ହଜାରେ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଅ ସାରା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ସିଏ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବ ବୃକ୍ଷ ନ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୃଥିବୀ ମରୁଭୂମିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ସଂରକ୍ଷଣର କିଛି ଉପାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସରକାର କେଉଁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣର ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ସରକାର ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ପିଲେ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ ବିଲୋପ ଓ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପଛରେ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେମିତିକି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଏହି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରାଣୀ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିକି ଆଉ ବଞ୍ଚିପାରୁନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି ଭାରତରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଶାଗୁଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ବିଲୋପ ହେବାର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କାରଣ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପଶମ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଦିଆଯାଏ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଡାଇକ୍ଲୋଫେନାକ୍ ଏଇ ଡାଇକ୍ଲୋଫେନାକ୍ ଔଷଧ ଖାଇଥିବା ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଟିର ଯେବେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁନି କି ରାସ୍ତା କଡ଼େ ଏଇଠି ସେଠି ସବୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଉ ଶବ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇ ପରିବେଶକୁ ସଫା ରଖନ୍ତି କାଉ ବିଲୁଆ ଶାଗୁଣା ପରି ପ୍ରାଣୀମାନେ କିନ୍ତୁ ଶାଗୁଣା ଯେତେବେଳେ ଏହି ଡାଇକ୍ଲୋଫେନାକ୍ ଔଷଧ ଖାଇଥିବା ଗୃହପାଳିତ ପଶୁର ମର ଶରୀରକୁ ଖାଏ ସେତେବେଳେ ସିଏ ମୂତ୍ରାଶୟଜନିତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରତରେ ଶାଗୁଣା ବଂଶ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଗଲାଣି ସେମିତି ଘରଚଟିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ମଣିଷମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଏଇ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଶିକାରୀମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମିବାକୁ ଲାଗିଛି ମୟୂରର ପର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲୋଭନୀୟ ବସ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ତାକୁ ଲଗାଯାଏ ତେଣୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ମୟୂର ଶିକାର କରାଯାଉଛି ସେମିତି ଦାନ୍ତ ପାଇଁ ହାତୀ ଶିକାର କରାଯାଉଛି ଏଇଟା ତ ଆପଣମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଥିବେ ସେମିତି ଚମଡ଼ା ପାଇବା ପାଇଁ ବାଘ ଚିତାବାଘ ଏସବୁ ଶିକାର କରାଯାଉଛି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରାଣୀ ଏମିତି ଶିକାର କରାଯାଉଛି ଯାହାଫଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ଓ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀର ପ୍ରଜାତି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ବିଲୋପ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ଏଥିପାଇଁ ଆମ ଦେଶରେ ଭାରତ ସରକାର 1972 ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ୟାକୁ କାହିଁକି ଲେଖିଲି ବହିରେ ଆମର ଦେଇଛି ତେଣୁ ୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସଦାବେଳେ ପଡ଼େ ଭାରତରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବୋର୍ଡ କେବେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା 1972 ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କେତୋଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରାଗଲା ଆମ ଭାରତରେ ସେଇ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ କୁହାଯାଏ
संरक्षित जैवमंडल, जातीय उद्यान, अभयारण्य, सेमिति अनेक गुड़िए प्रकल्प। मेन संरक्षित जैवमंडल आम देश में 12 रही, जातीय उद्यान 89 अच्छी, अभयारण्य 490 अच्छी। क्यों गुड़ाक आपण मैंने ऊपर क्लास को गले जानवे। तो ये तीन टा जाक मुख्य उद्देश्य है वन्य प्राणी मानू एक सुरक्षित आश्रय स्थल प्रदान करें, अर्थात ये भितर को कौन से लोक जाई प्राणी मानू शिकार करें कि जंगल निया लगला भाया संभावना यू तीन टा अंचल हुए ना, जो अंचल संरक्षित जैवमंडल, जातीय उद्यान, अभयारण्य रही थी, छड़ा विभिन्न प्रकल्प जो अंचल कार्यकारी हो प्रकल्प कौन रही व्याघ्र प्रकल्प, अर्थात बाघ मान सुरक्षा देवाई भारत किसी जगार प्रकल्प व्याघ्र प्रकल्प कार्यकारी हो 27 व्याघ्र प्रकल्प आम देश में कार्यकारी हो। कुंभीर प्रकल्प कुंभीर मानक वंशवृद्धि करने कारण कुंभीर मानू ना चमड़ा पर बहुत शिकार करा जाए आ चमड़ा रूपी आम मैंने व्यवहार कर अवश्य आम मैंने व्यवहार करना कारण कुंभीर चमड़ प्रस्तुत द्रव्य बहुत कॉस्टली होता है कॉस्टली ना आम यहीपर प्राणी मानक चमड़ जिनस व्यवहार कर आद ठीक कथा नुह आम सब मार्केट गले देखुना यहाँ लेदर रही से बेल्ट किणिले सू किणिले पर्स किणिले आम पचर गोटे लेदर कि नहीं प्योर लेदर कि नहीं मो मतरे एमती लेदर वाला जिनस ना आम कि कथा ही ना कारण एगुड़ाक संपूर्ण रूपे पशु मान मारी से चमड़ू ही प्रस्तुत करा जाए आउ चमड़ा प्रकल्प यार अल्टरनेटिव आम पाखे अच्छी ना तेणु आम पशु मान चमड़ जिनसपत्र निज जानतरे हो कि अजाणतरे हो व्यवहार करने कथा नुह तो कुंभीर प्रकल्प पक्षी विहार ये सब प्रकल्प कार्यकारी हो मुख्य उद्देश्य वन्य प्राणी मान सुरक्षा देवा। वर्तमान आम देखा भारत क्यों जगार क्यों अभयारण्य रही केवल आम बही जीटा देतीकटा उपर ही फोकस करवा कारण परीक्षा से भितर ही स्तंभ मिलन कर भारत रे वन्य प्राणी मानकर संरक्षण पाई सुरक्षित बासस्थान कथा आपनको कहली संरक्षित जैवमंडल जातीय उद्यान अभयारण्य विभिन्न प्रकल्प तो जितना बही अच्छे आम से सब देखा व्याघ्र प्रकल्प भारत क्यों क्यों जगार रही एटा पिले इम्पोर्टेंट पार्थक्य दर्शाओ आपणको पई हे परबो राज्य दे दो स्थान दे दो आपण माने जोडीबे को राज्य रो को स्थान रे व्याघ्र प्रकल्प रहिछ तो आसाम रो मानस पश्चिमबंग रो सुंदरवन झारखंड रो पालामू उत्तराखंड रो कॉर्बेट महाराष्ट्र रो मेलघाट ओडिशा रो सिमिलीपाल कर्णाटक रो बांदीपुर एही जगह उड़ा व्याघ्र प्रकल्प कार्यकारी होउछि मु लिखिथिली 27 व्याघ्र प्रकल्प कथा इठे अल्प केतरे ही देछि परीक्षा दृष्टिकोण रो बहुत गुरुत्वपूर्ण स्तंभ मिलन कर पाए सेमिति एक सिंगिया गंडा पई भारत रे एक प्रकल्प कार्यकारी होउछि एमानंकर किपरि वंश वृद्धि होई परिबो एमाने किपरि सुरक्षित अवस्था रे रही परिबे और सही प्रकल्पटी अछि आसाम रो जोरहाट अंतर्गत काजीरंगा जातीय उद्यान काजीरंगाटा गोटे नेशनल पार्क जातीय उद्यान सेठी एक सिंगिया गंडा मानक प्रकल्प कार्यकारी होउछि ये भी इम्पोर्टेंट मन रखा दरकार सेमिति सिंह पई भारत रे गोटे प्रकल्प हला गुजरात रो गिर जातीय उद्यान आपण मैंने देखु जातीय उद्यान ये भी एक सिंगिया गंडा पई जातीय उद्यान सेमिति अभयारण्य भी रही सिंह पई किंतु गुजरात रो गिर जातीय उद्यान सेमिति पक्षी पई राजस्थान रो भरतपुर ई सब अंचल रे बाघ गंडा सिंह पक्षी मानंकु सुरक्षा दिया जाए ओडिसा रे बाघ पई मयूरभंज सिमिलीपाल अंचल
हाथी पाई चंदका भुवनेश्वर निकटवर्ती चंदका अभयारण्य, कुंभीर पाई केन्द्रापड़ार भितरकनिका ओ अनुगुळर टिकरपड़ा एठी मगर प्रजनन केन्द्र रहिछि, अर्थात कुंभीर मानक सुरक्षा दिया जाउछि कोठे केन्द्रापड़ार भितरकनिका अनुगुळर टिकरपड़ा। सेहिपरि पक्षी पाई पक्षी मानकर संरक्षण पाई चिलिका ह्रद रहिछि। ये हला ओडिशार मुख्य वन्यप्राणी संरक्षण केन्द्र, ये हला भारतर मुख्य वन्यप्राणी संरक्षण केन्द्र। ये सबुगुड़ाक आपण लेखिबे, ये सबुगुड़ाक मु आपण मानक प्रश्न उत्तर आकार रे पठेबे, आपण माने लेखिकी याकु भल भाबरे प्रिपेयर करिबे। एमिति आमर प्राकृतिक उद्भिद वन्यप्राणी आजिर कालांशरे ये पाठटी संपूर्ण सरीचि। बर्तमान मु आपण मानक प्रश्न उत्तर पठेबा परे सबुगुड़ाक खातारे लेखिदेबे। आउ गोटे काम करिबे, ए सबु अंचल गुडाक आपण मानचित्र कार्य आकार रे मानचित्र रे ई स्थान गुडी को दर्शाइबे। गोटे भारतर मानचित्र रे दर्शाइबे, आ गोटे ओडिसार मानचित्र रे दर्शाइबे। आजिर कालांश को मु एठे रखुची। धन्यवाद।